YouTube एडवांस फीचर्स को इनेबल नहीं किए हो या फिर डिसेबल या पेंडिंग दिखा रहा है या फिर दो बार ट्राई किए हो और दोनों बार वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल होने के बाद अब एक महीना बार ट्राई करने के लिए बोल रहा है। ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल और ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है इसको इनेबल करते वक्त। और यूट्यूब की एडवांस फीचर्स को इनेबल करने का फायदा क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। तुम्हारा एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, सो लेट्स बिगिन। मैं फटाफट से YouTube की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। मेक श्योर कि यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को टिक करके रखना है, देन राइट हैंड साइड कॉर्नर पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है, देन यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है, एकदम नीचे सेटिंग दिखेगी उस पे क्लिक कर देना, अगेन चैनल पे क्लिक करना है और यहाँ राइट हैंड साइड में फीचर्स एलिजिबिलिटी का ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि देख सकते हो ऊपर का दो ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल है, फर्स्ट वाला तो चैनल क्रिएट करते ही इनेबल हो जाता है, ये दूसरा ऑप्शन को मोबाइल से जब वेरीफाई करोगे तो इनेबल हो जाएगा, बाकी रहेगा ये तीसरे नंबर का एडवांस फीचर्स, तो इसको तुम्हारे सामने इनेबल करके दिखाने वाला हूँ, देखना। कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये जान लो कि इसको इनेबल करे तो क्या होगा और ना करे तो क्या होगा। जब तुम इसको इनेबल करते हो मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सटर्नल लिंक पेस्ट कर सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई तुम्हारे वीडियो पे कमेंट कर रहा है तो उस कमेंट को पिन कर सकते हो, डेली के मल्टीपल वीडियो डाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होगी एंड सो ऑन। और अगर इसको इनेबल नहीं करते हो तो ये सारा चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। तो चलो आओ करते हैं इनेबल। इसको इनेबल करने का तीन तरीका होता है, पहला वीडियो वेरिफिकेशन जिसमें तुम्हें अपने कैमरे में देखना है और एक वीडियो शूट हो जाएगी और ऑटोमेटिक सबमिटेड हो जाएगी, और दूसरा है वैलिड आईडी जिसमें तुम्हें अपनी आईडी देनी पड़ती है, लाइक पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और आईडी। बेसिकली तुम्हारे वैलिड आईडी से यूट्यूब तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ एंड नेम चेक करता है कि इस आईडी से पहले कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेंस तो नहीं हुआ है ना। और तीसरा है चैनल हिस्ट्री, अगर तुम दो महीने अपने चैनल पे काम करते हो तो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। बस तुम्हें एक चीज ध्यान होना चाहिए, तुम्हारा वीडियो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो, रीयूज कंटेंट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, तब जाके चैनल हिस्ट्री क्रिएट होगी और एडवांस फीचर्स इनेबल हो जाएगा। तो मैं वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू इनेबल करना चाहूंगा, तो क्लिक करते हैं एसएस फीचर्स पे, अगेन क्लिक ऑन यूज वीडियो वेरिफिकेशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक। अब एक मेल गया होगा उसी जीमेल अकाउंट पे, उधर से जाके भी चेक कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं से स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से क्यूआर आएगा, अब इसको जूम करना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब गैलरी में जाके स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना है और सिर्फ क्यूआर वाला पार्ट को रखना है। अब इसको सेव कर लो और यहाँ कॉर्नर में एक गूगल लेंस का आइकन है उस पे क्लिक कर देना। अगर तुम्हारा मोबाइल में ऐसा आइकन नहीं है तो फिर बाहर आना और यहाँ गूगल में जाना और यहाँ कैमरे का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करके और स्कैन करा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मिडल में एक लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक कर देना है तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे भी फिर से क्यूआर शो कर रहा है तो फिर क्रोम के डेस्कटॉप साइट को बंद कर देना है। अब एक चीज समझ लो, यही आके सब लोग मिस्टेक कर देते हैं और उनका प्रोसेस अनसक्सेसफुल हो जाता है और पेंडिंग दिखाने लगता है। पहला जो चीज है वो है कि फोन का कैमरा सही होनी चाहिए, अगर सही नहीं है तो फिर किसी दूसरे मोबाइल से ट्राई कर सकते हो। दूसरा, अगर कैमरे में देख रहे हो तो प्रॉपर फेस पे लाइट होनी चाहिए। और तीसरा, कोशिश करो कि कैप एंड ग्लासेस को अवॉइड करना। अब आते हैं मुद्दे पे, अब स्क्रॉल डाउन करना एंड लाइसेंस को टिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बस यहाँ अब कैमरा ओपन होगा, कैमरा में देखते वक्त इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है, जैसे अगर हेड अप करने के लिए बोल रहा है तो हेड अप करो, हेड डाउन करने के लिए बोल रहा है तो हेड डाउन करो। तो अगर इतना करते हो तो नो कंग्रेचुलेशन, वो अब हमारा जो वीडियो है वो रिव्यू में चला गया है। अब नॉर्मली 24 आवर लगता है तो वेट करना पड़ेगा, तो मैं मिलता हूँ 24 आवर के बाद, तब तक आराम करो। तो गाइज देख लो एडवांस फीचर सक्सेसफुली इनेबल हो गया है, तो मिशन पास हो गया। और हाँ गाइज एक बात और, अगर किसी का एक बार अनसक्सेसफुल होता है तो सेकेंड टाइम ट्राई कर सकते हो, और अगर सेकेंड टाइम भी अनसक्सेसफुल हो गया है और वहाँ एक महीने का टाइम दे दिया गया है तो देखो इसका जवाब यूट्यूब क्या दिया है, खुद देख लो। इसका कोई तरीका नहीं है, एक महीना वेट करना ही पड़ेगा, देन ऑप्शन अलाइव होगा और अगेन ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज चैनल हिस्ट्री का ऑप्शन तो जिंदाबाद है ही है, काम करते रहो, दो मंथ ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो एक छोटा सा कमेंट कर देना भाई, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन करके कुछ पूछ सकते हो। बाय।